तकदीरी के साथ बदलते भारत की शान। अरुण, अरे आप आ गए? हाँ। रुकिए, मैं दीदी को बुलाता हूँ। दीदी, ओ दीदी, दीदी, अरे इतना देर लगा दी, जाओ जाओ जल्दी जाओ। हाँ चलो। चलिए। दीदी अच्छे से करना। हाँ। ठीक है। Thank you.
अरे भाई, ये बात तो अच्छा नहीं हुआ है। तू ठीक बोल रहा है। आज कुछ दिन से ये सब नाटक चल रहा है। एक विधवा औरत को किसी मर्द के साथ रोज ऐसे बाइक पे जाना, माँ बाप कुछ नहीं बोलते क्या? अरे उनको तो अच्छा ही लगा होगा। वो लड़की एक को खा गई और अभी और एक को गले में बांध देने से उनको तो अच्छा ही लगेगा ना। दरअसल सारा दोष उनका बाप का ही है। अरे बाप का नाम लिया और वो रहा बुद्धा। सासा सुनिए तो, आजकल आप तालाब के पास ही रहते हैं क्या? घर की तरफ जाता नहीं? सही समझा बेटा, सुबह सूरज निकलने से पहले ही मछली को दाना देकर रात को ही घर आता हूँ। आज बाजार है ना, हाँ। इसलिए जल्दी आया। ओ, इसीलिए घर में क्या चल रहा है आपको मालूम ही नहीं है। तुम लोग कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझा नहीं। आपकी विधवा बेटी एक लड़के के बाइक पर सवार होकर सुबह निकलती है और रात को घर आती है, और आप सब जानकर भी अनजान बने हो। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ये सब बातें हमारे गांव के वातावरण को खराब कर रहा है। अरे समाज संस्कार नाम का कोई चीज है कि नहीं? अरे नहीं तो क्या, कल ये बात पंचायत पे चली जाएगी तो आप लोग सामाजिक रूप से बहिष्कृत भी हो सकते हैं। एक बार अच्छी तरह सोच लीजिए। अब मैं क्या करूं? चाचा आप चिंता मत करो, हम हैं ना। आप सिर्फ एक काम करो। क्या बेटा? शाम को रोज हमें 100 रुपए दे जाना, हम सब गांव के मुखिया जी को समझा देंगे। हाँ, आपका सम्मान भी बचेगा और हमारा शाम का जुगाड़ भी हो जाएगा। सिर्फ 100 रुपए से तुम लोग मेरी बेटी का इज्जत बचाओगे? तुम लोग भी तो थे मेरी बेटी के शादी में। शराब के साथ मांस नहीं मिला तो हल्ला करके बोलने वाले लोग आज सिर्फ 100 रुपए से मेरा सम्मान बचाने के लिए तुम लोगों का इंसानियत जाग उठा। अरे बेटा, ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुआ है। आज मैं अपने बेटा बेटी को लेकर गर्व महसूस करता हूं, और मेरा बेटा तुम लोगों की तरह जुआ खेलकर शराब पीकर समय बर्बाद नहीं करता है। मेरी बेटी खुद कपड़े बनाकर बेचती है। जब भाई का एक्सीडेंट हुआ, भैरव के दुकान में जाकर दिन भर मेहनत करती है। उसका पति दुर्घटना में गुजर गया तो उसमें मेरी बेटी का क्या दोष है? तुम लोगों में से किसी का हिम्मत है उससे फिर से शादी करके
समाज में सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार दे सके? विधवा हुई तो क्या, सती दाह करेगी वो? जा, जाकर समाज के मुखिया को ये बात मैंने बोला है बोल देना, और दोबारा अगर मेरी बेटी के बारे में किसी ने भी कुछ बोला तो ये फावड़ा देखा है ना, और जो भी कुछ बोलेगा ये फावड़ा और रहेगा उसका सर। अरे चल चल, आज से यहाँ खेलना बंद। हाँ, कल से कहीं और खेलेंगे। ठीक है ठीक है, ये बुरा आदमी कल फिर से क्या रूप लेगा कोई पता नहीं। चलो चल 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 चल। रेनुका, 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 नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए बैठिए। नहीं, हम यही ठीक हैं। माँ, पिताजी नहीं है क्या, बुलाइए तो। नहीं है, वो तो तालाब गए हैं। माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। हाँ माँ जी, हमने अपनी घर की लक्ष्मी को पहचानने में गलती की और बिना सोचे बहुत कष्ट दिया। हाँ माँ, शायद कल मेरे स्वर्गवासी भाई मेरे सपने में आकर मुझे बोला कि हम इसे बहू नहीं बेटी बनाकर रखे। इसीलिए माँ हम इसे लेने आए हैं, अभी हमारे साथ ही रहेगी। नमस्ते। जा बेटी, शादी के बाद एक लड़की के लिए उसका पति का घर ही सब कुछ होता है। पति हो या ना हो, तू जा, तैयार हो जा। परेशान है, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
हे माँ, मैंने आज तक आपसे जो भी मांगा है आपने दिया नहीं। बचपन में ही माँ बाबा को मेरे और मेरे बहन की जिंदगी से ले गए। बहुत कष्ट के बाद एक दुकान खोल के व्यापार शुरू किया है। अभी पता नहीं कहां से एक परी आ गई मेरी जिंदगी में। कुछ दिनों से मुझे एहसास हुआ है जैसे कि उसके बिना मेरी जिंदगी खाली है। इसलिए आज उस परी को दिल की बात बोलने वाला हूं। मुझे साहस देना, शक्ति देना। ओम ओम नमो। तू मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? क्या दोष किया था मैंने? मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है? मैंने तो प्यार किया था और मेरे प्यार को ही तूने मुझसे जुदा कर दिया। आखिर क्यों क्यों क्यों? बहू, तुम्हारी एक साइन चाहिए था। यहां पे कर दो।
यहाँ पर? हाँ। और यहाँ पे भी? हाँ। ठीक है। बहू, तुम्हारी एक फोटो भी चाहिए था। भाभी, मैं थोड़ा बाल बना लो। रहने दो, ऐसे ही पल्लू ले लो। हाँ हाँ। बाबा आओ तो। हाँ, फटाफट दीदी का एक फोटो ले लो। ठीक है, हो गया। ओके। पासपोर्ट निकाल के रखना, मैं एक घंटे में जाके लेके आऊंगा। ठीक है। ठीक है। रेनुका, तुम्हारे बैंक का पासबुक कहाँ है? भाभी, वो माँ की घर छोड़ रही थी। बहुत बड़ा बात हो गया। पर क्या हो गया भैया? और ये फोटो, फॉर्म, पासबुक, ये सब क्यों चाहिए? वो क्या है बहू के, वो भाई का डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है ना, तो आजकल ये सब कुछ चाहिए ही। एक काम करो बहू, तुम आज नहीं, तुम अभी चली जाओ और पासबुक लेकर तुरंत आ जाओ। ठीक है भैया। भैया, वो मेरे पासबुक में जमा किए हुए 25,000 रुपया है। बाप रे, कहाँ से मिला इतना पैसा? वो घर में जब थी तो बहुत सारे कपड़े सिए थे, वही बेच के कमाए ये सब। वाह, तब तो उसी पैसे से यही एक सिलाई मशीन लगा लेना, और कभी कभी मुझे भी एक दो जोड़ी मिलते रहेंगे, है ना? ठीक है भाभी। बहू, एक काम करो, तुम अभी चली जाओ। ठीक है, मैं एक ऑटो बुलाता हूँ, तुम उसी में जाना और वो पासबुक लेकर उसी ऑटो में तुरंत लौट आना। नहीं नहीं, अभी मत जाओ, अभी बहुत सारे कपड़े भी धोने हैं, कल सुबह चली जाना। अभी कपड़े जल्दी से धो लो, और फिर खाना भी तो बनाना है। आज पता नहीं क्या हुआ, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। चलिए जी। हाँ हाँ हाँ, बहू धो लो। हाँ। पता चला कि प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत उसने अपने पत्नी के नाम 2,00,000 रुपए की पॉलिसी करके गया। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कभी भी महिलाओं को असहाय और कमजोर ना समझें।